बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को निजात दे, और आप सबको जुमातुल मुबारक। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़, और जुमे की नमाज़ के बाद अब करते हैं लंच, जो कि काफ़ी लेट हो चुका है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि लंच में हम क्या खाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अली भाई आपके सर में जुएं पड़ी हुई हैं, तो ऐसी बात नहीं है, जुएं नहीं है, ये मैं टटोलता रहता हूँ कि जो नाई मोहतरम ने बाल काटे थे वो कहाँ गए हैं और अब ये कब तक पूरे होंगे। तो ये कुछ ऐसी आदत सी पड़ी हुई है, अदरवाइज़ से जुएं नहीं पड़ी। तो ये बात है कि अभी देखते हैं कि आपकी भाभी साहिबा लंच में क्या तैयार कर रही हैं, बल्कि लंच क्या कहें इसको, बस लंच या डिनर दोनों एक साथ ही हमें कर लेने हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हाँ जी, की बनता है पिया? तुम्हारा फेवरेट साग मक्खन दाल की गर्म कर रही हूँ। ये साग सरसों का और ताज़ा मक्खन। क्या मुझे दादी भूख लगी है। हाँ जी बाबा, लेट हो गई। चलो कोई नहीं, बस गर्म हो गया, रोटी में बना रही हूं। अच्छा हां जी, चल ठीक है, ले यार। तो क्या बनाएंगे? तो ये है खाना, वो तो बाहर ही लाया। चलो बाहर ही खाना, लेट्स पानी का साग। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि आप लोग व्लॉग पूरा नहीं देखते, और जो टाइटल की लाइन होती है बस उसी को देख के कमेंट ठापा कर देते हैं। यार पहले व्लॉग पूरा देखा करो फिर कमेंट किया करो। कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि वो क्यों नहीं आ रही, तो कल के व्लॉग का मैंने ये टाइटल लिखा था। ओ भाई, असल में मैं बात कर रहा था फयाज़ भाई के जो एडसेंस की पिन है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो वो थोड़ा सा मैंने थंबनेल भी ऐसा लगाया हुआ था, तो आप लोगों ने व्लॉग पूरा नहीं देखा और ठापा कमेंट कर दिए। तो व्लॉग पूरा देखा करें, उसके बाद आपको जो लाइन होती है टाइटल की उसके मुताबिक, अगर व्लॉग ना हो उसके मुताबिक जो मतलब टॉपिक व्लॉग का ना हो, तो फिर आप बेशक अच्छा बुरा लिख दिया करें। लेकिन आपने तो बस ठापा लिख दिया कि वो क्यों नहीं आ रही। आपने कहा कि वो बस नाराज़ हो के गई है, तो नहीं, इसलिए नहीं आ रही। यार ये तो आपकी भाभी साहिबा तो परसों ही आ गई थी। तो ये बात है, खाना भी खाएंगे और आपके साथ गपशप भी करेंगे। तो बैठने की छांव दे। बस ना, तो अपना छांव, मौसम ही अमेदा हो गया। ये है हमारा खाना, सरसों का साग, इसमें भैंस के खालिस दूध से बना हुआ मक्खन और साथ में तवी की रोटियाँ। आज चूँकि लेट हो गई है इसलिए मैं भाई मुनव्वर लोगों से लस्सी नहीं लेके आया, तो आज पानी के साथ ही काम चलाते हैं। सरसों का साग, तवी की रोटी और एक चीज़ आज हम मिस कर गए हैं, चाटी की लस्सी। दोपहर में वो हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज लेट हो गई तो मेरा भी टाइम नहीं लगा, मैं लेके नहीं आ सका। भावें जिन्नियां मर्जी बड़िया बड़िया डिशां घर अगर रसरा होने साग का मजा ना मक्खन देना है। हम गंदे हैं सारे कॉल निकला पूरा पहनना तो नहीं जाता ना बंदा।
ਫਸਲ ਚ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆਲੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਕਾ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਫਰਿੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਲਵੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾੜੀ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਈਆਂ ਖਾਓ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਗ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਗ ਪੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਪਿਆ ਹੋ ਘੁੰਮੋ ਗਿਆ ਮੁਹਤਰਮਾ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਾਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੱਗਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਹੋਰ ਅਵੇ ਲੋ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਲੀ
बना लूंगी। अद्धा अद्धे तुम थोड़ा कम है उसमें। चलो ठीक। चाय पीते हैं और उसके बाद कोई और काम देखते हैं। हाँ बस अद्धा तैयार हो चुकी है और चाय पी लेते हैं। थोड़ी जी पानी बस मेरी। अच्छा जी चाय भी पी ली है और आज की वीडियो का बस यहाँ पे ही इख्तिताम करते हैं, एंड करते हैं। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रब सोने दे हवाले, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।